जय श्री कृष्णा, श्री राम, श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज मैं खाने वाला हूँ ये, इसका भाजी बनता है। इसको बगोरी बोलते हैं, बगोरी, बगोरी खेत में होता है, बगोरी है, बगोरी इसका भाजी बनता है। ये गरम होता है, गरम, ठंडी में ये खाएंगे इस भाजी, बहुत गरम होता है, कच्चा भी खा सकते हैं और ये फ़ायदा भी करेगा। सर्दी, जुकाम, सुबह सुबह से दो तीन खा लो। और गांव में, बाजार में बहुत आता है। हाँ जी, तो ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी भाजी बनती है, भाजी बनाओ, खाओ, बहुत फ़ायदा करेगी। ये यही टाइम पे बहुत मिलता है। और बच्चों के लिए भी ये इतना फ़ायदा है इसका, सिर दुख, कुछ भी कच्चा खाओ, भाजी भी बना सकते हो, भाजी बनाओ। लेकिन ये क्या है ना, तभी फ़ायदा करता है जब इसको रेगुलर खाओ। दो तीन महीने खाओ कोई भी चीज़ है, क्योंकि देखो दवा है और ये कोई बनाई हुई दवा नहीं है, ये तो झाड़ में होती है, पेड़ में होती है, खेतों में होती है। तो ये थोड़ा लेट असर करेगी, लेकिन असर करेगी ना, तो ऐसा असर करेगी ना कि जड़ से ही ख़त्म करेगी। ये जड़ से ख़त्म, कितना ही बड़ी सर्दी रहने दो, बड़ी सर्दी हो जाती है ना, कितना ही बड़ी रहने दो, इसको खाओ एक दो महीने, जड़ से ख़त्म। और हाँ, ये काम तभी करेगी जब आप कुछ परहेज करेंगे। अब इधर से आप ये खा रहे हैं, उधर से आप नहीं करने वाले, इसके परे जरूरी है ना, क्योंकि नुकसान वाली चीज़ें इसको दबा देती, फायदे वाली चीज़ें दब जाती। जैसे झूठ के आगे सच्चाई, लेकिन आएगी सामने एक दिन, ऐसे ही ये है। ये काम तो ज़रूर करेगी, चाहे तुम परहेज करो ना करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और परहेज करो तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इसको ना डेली खाओ सुबह से, कच्चा। सब्जी भी बना सकते हो, सब्जी बनाओ, सब्जी में बनाओ, सब्जी बनाओ, खाओ, पूरा परिवार खाएगा, सबको फ़ायदा करेगा। लेकिन कच्चा जो फ़ायदा करता ना, उतना मैं बनाने के बाद नहीं करेगा, क्योंकि वो पक जाता है इसके लिए। और कच्चा ऐसा है कि आप जितना भी खाओ, एक दो, अभी तो ढेर मिलेगा, वाह बहुत मिलेगा अभी, तो खाओ। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, कच्चा और बढ़िया लगता है, बनने में उतना नहीं जितना ये कच्चा है। और परिच करो, पर जो ही है, दारू, मांस, मटन, मछली, ये सब मत, ये खाना भी नहीं चाहिए। दारू, मदरा, शराब, ये सब वही चीज़ है, नहीं खानी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, ये सब नुकसान वाली चीज़ है भाई, नहीं करना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला तुम्हें, नुकसान ही है, बाद में भोगना पड़ेगा।
थोड़ा उम्र ढलने के बाद आप 40 से 50 के बीच में गए, समझ लो बीमारियां चालू 100%, और फिर आप फैमिली नहीं संभाल पाएंगे। आपकी दवाई में सब फैमिली लग जाएगी, आधा पैसा उसमें चला जाएगा। संभलो और अपने आप को संभालो। तो भाई अपना ख्याल रखो और बच्चों का ख्याल रखो और अपना परहेज करो और कच्चा सब्जियां खाओ, हरी भरी सब्जियां खाओ और ताजी हवा खाओ। मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूँ कि सब खुश रहें, खुश रहें। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, फिर मिलेंगे।